तो कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने लालू प्रसाद यादव को बड़ी नसीहत दे दी। उन्होंने पीएम के परिवार पर दिए लालू यादव के बयान को इंडी गठबंधन के लिए सेल्फ गोल बताया। साथ ही इंडी गठबंधन के नेताओं को ऐसे बयानों से बचने के लिए कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने लालू प्रसाद यादव को नसीहत दी है। पीएम के परिवार पर दिए लालू यादव के बयान को इंडी गठबंधन के लिए सेल्फ गोल बताया। उमर अब्दुल्ला का बयान ऐसे समय में सामने आया है जब गुपकार गठबंधन टूट गया है, इसका ऐलान हुआ और अब लालू यादव को उमर अब्दुल्ला नसीहत दे रहे हैं। इंडी गठबंधन के लिए इसे सेल्फ गोल बता रहे हैं, जो लालू यादव ने पीएम मोदी को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया था। उसके बाद बीजेपी ने कैंपेन चलाया, जब पीएम मोदी के परिवार के बारे में लालू यादव ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। ऐसे में अब उमर अब्दुल्ला लालू यादव को नसीहत दे रहे हैं, इंडी गठबंधन के नेताओं को ऐसे बयानों से बचने के लिए कह रहे हैं। ये उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि ऐसे बयानों से नुकसान होता है। ऐसे जो है, जो हम मतलब या तो हम सेल्फ गोल करते हैं या गोल के आगे से हम गोलकीपर को हटा के मोदी साहब से कहते हैं ना, लाओ कर लो स्कोर। अब परिवार पे हमने खुल्लम खुल्ला उनको गोल दे दिया और उन्होंने मौके का इस्तेमाल किया और बड़े तरीके से किया, कहा कि मोदी उनका है जिनका कोई नहीं और हमारे पास इसका जवाब ही नहीं है। तो मैं तो अपने वो मुझसे हालांकि सियासी तौर और उम्र के लिहाज से बहुत सीनियर हैं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जो तजुर्बा है वो यही है कि हमें इस तरह की सियासत जो है वो छोड़ के हमें लोगों के मुद्दों की सियासत करनी चाहिए। ये चौकीदार, ये अदानी अंबानी, ये राफेल, ये परिवार, ये चलता नहीं। तो ये आपने उमर अब्दुल्ला को सुना, उन्होंने लालू यादव को नसीहत दी है और कहा कि जो लालू यादव ने पीएम के परिवार को लेकर के बयान दिया था, ये दरअसल सेल्फ गोल है इंडी गठबंधन के लिए। और ऐसे में इंडी गठबंधन के नेताओं को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे बयानों से नुकसान होता है। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में गुप्तार गठबंधन, इसका कोई भविष्य नहीं है, इसको लेकर के ये पीएम मोदी को आप देखिए कि सफारी करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथी में सवार है। दो दिन के असम दौरे पर है पीएम मोदी और काजीरंगा नेशनल पार्क में इस वक्त आप पीएम मोदी को देख सकते हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथी की सफारी करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। बेहद खास उनका ये दौरा हो जाता है क्योंकि उनके पिटारे में असम के लिए कई करोड़ परियोजना, 18,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का तोहफा वो असम को दे रहे हैं। और आज उनके दौरे का दूसरा दिन ये काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे हैं पीएम मोदी और यहाँ पर वो वक्त बिताएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहाँ पर पीएम मोदी मौजूद हैं और हाथी की सफारी पीएम मोदी इस वक्त कर रहे हैं। बेहद खास हो जाती हैं ये तस्वीरें। पीएम मोदी वैसे भी नेचर लवर है, किस तरीके से असम में अपार संभावनाएं हैं और नेशनल पार्क पहुंचना ये सपना होता है कोई असम जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग जानवर मिलते हैं। और बड़ी बात यह है कि जो सफारी वो कर रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में, 2 घंटे वो बिताएंगे हाथी की सफारी कर रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रम भी उनके हैं जहाँ पर वो नजर आएंगे इस नेशनल पार्क में। और सुबह का वक्त है, आप पक्षियों की चहचहाट को भी सुन सकते हैं। बेहद खूबसूरत यहाँ पर सुबह होती है और इसी का आनंद लेते हुए पीएम मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि अभी वो हाथी की सफारी कर रहे हैं और उसके बाद अलग अलग दृश्य भी देखने को मिलेंगे। दरअसल ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, 180 से ज़्यादा बंगाल टाइगर्स का घर है और आप समझिए कि 430 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ऐसे में पीएम मोदी भी यहाँ पर 2 घंटे बिताने वाले हैं। यहाँ पर इस नेशनल पार्क में अलग अलग प्रजातियों के जानवर भी हैं और इस वक्त पीएम मोदी हाथी की सफारी करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन का उनका असम दौरा है और बेहद खास हो जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क, क्योंकि 430 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, अलग अलग प्रजातियों के 1,000 से ज़्यादा जानवर हैं। और यहाँ पर एक खासियत है क्योंकि इस नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में
एक सींग वाला गैंडा भी है, वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं, पीएम मोदी की हाथी की सफारी की। कला कार्पेट, लेकिन उठने के बाद वो अपने साथियों के साथ बड़े ही आराम से चला गया। बताया गया कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों से पैसों को लेकर हुए झगड़े में उन लोगों ने करीब आधे घंटे तक वहां बवाल किया। इधर खबर है कि बीजेपी लोकसभा के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर जल्द ही फैसला ले सकती है। खबर है कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 10 मार्च को होगी। इस बैठक में बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, हरियाणा और पंजाब की लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। बीजेपी ने 2 मार्च को 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। जम्मू कश्मीर के सांबा में विजयपुर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन की कई बोगियां पटरी से उतर गईं। इसकी वजह से उस रूट पर ट्रेनों को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। हालांकि राहत की बात यह रही कि उस ट्रेन में उस समय कोई भी यात्री सवार नहीं था। बिहार में एमएलसी यानी विधान परिषद के चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपने 5 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इनमें बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का नाम भी शामिल है। इस लिस्ट में 4 सीटों पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी के उम्मीदवार तय किए गए, वहीं 1 सीट लेफ्ट को दी गई। इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के कैंपेन पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने दिल्ली के शराब घोटाले का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए। केजरीवाल की पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए संसद में भी केजरीवाल नारे के साथ अपने कैंपेन की शुरुआत कर दी। लेकिन बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के कैंपेन पर तंज कस दिया। नारा जो दिल्ली लगा रही है ना, इस शराब बेचता केजरीवाल दिल्ली को कर दिया बिहार। लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी ने अपने कैंपेन के लिए संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल का नारा दिया। चुनावी अभियान की शुरुआत के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर वार किया। बीजेपी वाले एलजी साहब और केंद्र सरकार आपके सारे काम रोकने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, जबकि पंजाब में दोनों पार्टियों ने अलग अलग मैदान में उतरने का फैसला किया। शारजा शेख की कस्टडी मिलने के बाद सीबीआई और ईडी की टीम बंगाल के संदेश खाली पहुंची और वहां शारजा शेख के घर पर जांच की। सीबीआई और ईडी की टीम के साथ फॉरेंसिक टीम भी संदेश खाली गई। 2 दिन पहले ही सीबीआई की टीम को शारजा शेख की कस्टडी मिली थी। इसके बाद शारजा शेख से सीबीआई के अधिकारियों ने पूछताछ भी की थी और पूछताछ के अगले ही दिन सीबीआई और ईडी की टीम के अधिकारियों का लंबा चौड़ा काफिला संदेश खाली पहुंच गया। सीबीआई और ईडी की टीम के अधिकारी ताला खोलकर शारजा शेख के घर के अंदर घुसे। उनके साथ फोरेंसिक टीम भी संदेश खाली पहुंची और इन सभी लोगों ने संदेश खाली में शारजा शेख के घर के अंदर जांच की। यही नहीं, सीबीआई और ईडी के अधिकारी संदेश खाली में घूमे और लोगों से ईडी की टीम पर हुए हमले के बारे में बात की। एक आदमी को तो वो पूछताछ के लिए अपने साथ भी ले गए। इस बार इन लोगों के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी दिखे। यानी सीबीआई और ईडी ने पूरी तैयारी के साथ संदेश खाली में एंट्री की और सुरक्षा कर्मियों से घिरे सीबीआई और ईडी के अधिकारी संदेश खाली में शारजा शेख के घर में गए।